नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। 360 लोगों को उनके फेवरेट सीजन के बारे में पूछा गया है। समर, 90 लोगों ने समर का वोट दी, 120 ने रेनी को दी और 150 ने विंटर को दी। ये विंटर जो आई एन टी ई आर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, किस सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिली। इसका आंसर है विंटर सीजन, विंटर सीजन। अब इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीजन उसके बाद नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, थर्ड सेंट्रल एंगल, थर्ड करेंगे सेंट्रल एंगल। सीजन कौन सा है, समर, समर कितने 90, तो ये 90 बाय 360 का प्लस करने पर है इनटू सेंट्रल एंगल 360 का ही होता है डिग्री का, तो 360 से 360 कट जाएगा, 90 डिग्री आ गए। उसके बाद कौन सा है, रेनी, रेनी 120 है, 120 बाय टोटल 360 इनटू सेंट्रल एंगल भी 360 का डिग्री का होता है, 360 कट के 120 डिग्री। थर्ड रह गया विंटर, विंटर 150, तो ये आ गया 150 बाय 360 इंटू 360 डिग्री, 360 कट के 150 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे इसका सेंट्रल एंगल आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है, ड्रॉ द पाई चार्ट, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास से सर्कल ड्रॉ करेंगे, कर लिया। अब हमने इसमें से ये समर 90, रेनी 120 एंड विंटर 150। सबसे पहले हम ये 90 का बनाते हैं, 90 का हमें पता है ये सेंटर है, ये सेंटर से 90 का एंगल सीधा बनेगा, ये हमारा ऐसे 90 का बन गया। अब हम 120 का बनाएंगे, 120 का देखो कैसे बनेगा। अब हम 120 का ये देखो, यहाँ पे डी रख के बिल्कुल इसके पॉइंट पर 120 यहाँ पर आता है, यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे रख के 120 पर और ये लाइन खींच देंगे, ये बन गया हमारा 120 का। और जो बच गया वो 150 का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। ये हमारा बना 90 का, ठीक है। 90 पर क्या था हमारा, समर, इसमें हम लिख लेंगे समर, 150 में विंटर और इसमें हम लिखेंगे रेनी। ये हमारे सम का आंसर है।